नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी इवेंट प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, मैं जो मैच कवर करने वाले हैं बेजिस एमसीएल टी20 का 11वां मैच है, जो कि दोस्तों भी खेला जाएगा। एलसीसी वर्सेस सीएचसी टीम्स के बीच डिप्लेंस करेंगे इस वीडियो में फुल स्ट्रेस पोजन फो। दोनों टीमों के एक एक प्लेयर के स्टेट्स अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है हमारा, वो भी आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो लाइक करके अपने शुरुआत करना। फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो अपने जल्दी से आके हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना। लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ लिंक पे क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, यदि कभी कभार लिंक वर्क ना करें तो आप टेलीग्राम पे सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाकर सर्च करें @realFWP, आपको फैंटेसी विन प्रेडिक्शन का चैनल दिखेगा। 15,500 के आसपास सब्सक्राइबर का चैनल होगा, वही हमारा एकमात्र रियल चैनल है, उसी चैनल को आपने ज्वाइन करना। दोस्तों, बात कर लेते हैं मैच की। तो मैच मॉर्निंग में सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगा और दोस्तों मैच होने वाला है सौखा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों मैच की विकेट की, तो अभी तक इस टूर्नामेंट के जो मैचेस खेले गए हैं ओवरऑल विकेट तो बैलेंस दिखा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो पेसर्स होते हैं उनको शुरुआती ओवर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज रहता है, क्योंकि वो मॉर्निंग का गेम होता है, बॉल नया रहता है, तो पेसर्स को थोड़ा सा मदद मिलती है, बॉल थोड़ा सा मोमेंट होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जैसे ही शुरुआती 5-6 ओवर बीत जाते हैं तो फिर बैटिंग के लिए ठीक ठाक विकेट रहता है, तो मतलब सभी डिपार्टमेंट को यहाँ पे इक्वल सपोर्ट है। पेसर्स को भी शुरुआती ओवर में मदद है, उसके बाद बैटर्स को भी सपोर्ट है। स्कोरिंग की बात करें तो आपको यहाँ पे आपको 120 से 140 के बीच जनरली स्कोरिंग देखने को मिलेगी। बहुत ही रेयर केस में आपको 150 के आसपास स्कोरिंग बनती हुई दिखेगी, नहीं तो 150 के कम ही स्कोर बनता है। तो आपने क्या करना है, एक बैलेंस कॉम्बिनेशन अपना तैयार करना है, जिसमें से जो मेन बॉलर हैं जो अपने 4 ओवर कंप्लीट करा रहे हैं उनको अपनी टीम में जरूर लीजिएगा, क्योंकि वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि यदि वो 2 विकेट भी ले जाएंगे तो बैट्समैन उतना रन स्कोर नहीं कर पाएगा। पहले दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे एलसीसी टीम्स की। तो इस टीम ने इस टूर्नामेंट में 3 मैच खेले हैं, 1 मैच में जीत हासिल किया हुआ है, 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा और पहला मैच इनका अबॉन्डेड हो गया था। और अब बात करते हैं दोस्तों इनके जो स्टैट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, प्लेइंग 11 है जो लगभग बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से मोस्टली आपको यही बैटिंग ऑर्डर आपको दिखने वाला है। इनकी तरफ से ओपनिंग करते हुए देखेंगे अभय और यहाँ से HLR भी खुला। अभय की बात करें, लास्ट गेम में 9 की उसके पहले 21-0 का स्कोर है। ओवरऑल देखेंगे 37 गेम के अंदर 800 करीब रन किए हुए हैं 22 की वजह से, बढ़िया बैट्समैन है, सिलेक्शन काफ़ी कम है, बैटिंग सेक्शन में कोई ज़्यादा अच्छे ऑप्शन भी नहीं है, तो आप इनके साथ जरूर जाइएगा। राइट हैंड बैट्समैन है, काफ़ी अटैकिंग नेचर से बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन से आप यहाँ से HLR विकलों को पिक कर सकते हो। यदि एज ए कीपर मेंशन होंगे तो फिर बॉलिंग वगैरह करेंगे नहीं, बॉलिंग जनरली ज़्यादा कराते भी नहीं है। राइट हैंड बैट्समैन है, लास्ट गेम में 15 किए थे उसके बाद 7/25 का स्कोर है। ओवरऑल 31 गेम के अंदर 600 करीब रन है, 22 का एवरेज है, तो दोनों का ही लगभग बराबर का एवरेज है, लेकिन विकला कीपिंग करेंगे तो वहाँ से भी कुछ पॉइंट देंगे, तो दोनों को अपनी टीम में रखना चाहें तो रख सकते हैं। वन डाउन बैटिंग करते देखेंगे GLAL विकला। अब दोस्तों ये राइट हैंड बैट्समैन है, राइट हैंड मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं और लास्ट गेम में इन्होंने 4 ओवर डाल के 1 विकेट निकाले, उसके पहले 45 रन किए थे, 2 विकेट निकालते उसके पहले 3 विकेट निकाले थे, लेकिन बॉलिंग देखिए 4 ओवर और यहाँ पे 4 ओवर, मतलब 4 ओवर की आपको कन्फर्म बॉलिंग करते हुए देखेंगे, साथ में 1 डाउन बैटिंग करेंगे और बैटिंग से भी एक मैच में बढ़िया स्कोर है और जैसे आपका विकेट उस हिसाब से 45 रन काफ़ी होते हैं, तो आपकी टीम में मस्ट है पिक है। कैप्टनसी के सबसे सेफ ऑप्शन आपके लिए मॉर्निंग में रहने वाले हैं। 2 डाउन बैटिंग करते हुए आपको दिखेंगे BLAL लुनफेला, राइट हैंड बैट्समैन है, ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी कराते हैं, लास्ट गेम में 4 ओवर पूरे डाल थे, 1 विकेट निकालता, उसके पहले भी लगभग 4 ओवर डाल के 3 विकेट निकालते, पहले मैच में जरूर कम बॉलिंग की थी क्योंकि शुरुआत में थोड़ा पेसर्स को ज़्यादा मदद थी, अभी पेसर्स को मदद है, लेकिन जैसे जैसे धूप आती है तो फिर स्पिनर्स भी गेम में अब आ रहे हैं और बैटिंग्स भी लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा 32 रन का स्कोर किया, तो आपकी टीम में जरूर होना चाहिए। इवन कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग पर बना सकते हो, स्मॉल लीग में भी आप वाइस कैप्टन कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग में थोड़ा कैप्टन वाइस कैप्टन रिस्की रहेगा क्योंकि इनकी ओवरऑल जो स्टैट्स हैं 30 गेम में 500 करीब रन है, बैटिंग एवरेज बहुत कम है 19 का, उसके बाद 30 मैच के अंदर सिर्फ 22 विकेट हैं, तो ओवरऑल स्टेट स्मॉल लीग पे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए देख के, लेकिन ग्रैंड लीग पे जरूर बनाएगा क्योंकि रीसेंट फॉर्म इनका बढ़िया चल रहा है और बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करने लगे हैं। नीचे देखेंगे जैस माविया, कुछ खास लगे नहीं, आप आसानी से इनको टीम से छोड़ सकते हैं अपने। नीचे देखेंगे लाल मेरुपुया, ऑफ ब्रेक बॉलर है, लास्ट गेम में 4 ओवर डाल के 1 विकेट निकाला, उसके पहले 4 पे तो उसके पहले 4 पे, लेकिन सबसे बड़ी बात 4 ओवर हर मैच में 4 ओवर की बॉलिंग करा रहे हैं, तो लाल रिमपुई आपकी टीम में जरूर होना चाहिए, हालांकि 4 मैच के अंदर अभी तक 3 मैच के अंदर 4 विकेट ले चुके हैं। नीचे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे माल सोकिमा रालते, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर है, लास्ट गेम में बॉलिंग नहीं करा हुआ था, उससे पहले 1 और 2 ओवर डाल लेते, बैटिंग उतना आएगा नहीं, तो आसानी से आप इनको छोड़ सकते हो। डेविड मलसम तो लुंगा की बात करें तो लास्ट गेम में नॉट आउट 16 किए थे, लेकिन बहुत नीचे खेलने, हर मैच बैटिंग आएगा नहीं और बैटिंग एवरेज भी सिर्फ 15 का ही है। नीचे देखेंगे लाल रिंचना, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर, लास्ट गेम में 4 ओवर की विकेटलेस थे, उसके पहले 3 पे 0 उसके पहले 3 पे 2, तो 2 विकेट 3 मैच के अंदर मिला हुआ, लेकिन 3 से 4 ओवर की बॉलिंग जरूर कराएंगे, ओवरऑल स्ट्रेट्स गजब के हैं, 35 गेम के अंदर 52 विकेट हैं, तो कभी भी अच्छा खासा विकेट लेके जा सकते हैं, बैटिंग तो नहीं आएगा लेकिन बॉलिंग से आपको कभी भी अच्छा खासा विकेट दिला सकते हैं, तो जरूर ट्राई करिएगा। एल खेंगते की बात करें, ऑफ ब्रेक बॉलर है, लास्ट गेम में 2 ओवर डाले उसके पहले 3 और 4 है, 2 विकेट लिए हुए टोटल, ठीक ठाक बॉलर हैं, 20 गेम में 19 विकेट है, पर मैच लगभग 1 विकेट का एवरेज है, मेरे हिसाब से सिर्फ GL ट्राई करें। नीचे यहाँ से लाल थमैया कोई मतलब है नहीं, छोड़ दीजिएगा, बॉलिंग कन्फर्म नहीं रहता। बेंच में कुछ प्लेयर हैं, जिनमें से कोई भी प्लेयर प्लेइंग 11 में आएगा तो स्टेट्स आप यहाँ से देख सकते हैं।
तो दोस्तों आपके सामने फोन से यहाँ पे LCC का एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 बिट बैटिंग ऑर्डर लगभग आपको ये देखने को मिलेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस मैच की जो दूसरी टीम रहने वाली है CHC की, लेकिन उससे पहले बता दूँ मैच का फाइनल अपडेट फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएगा लास्ट मैच अपडेट और फाइनल टीम के लिए। दोस्तों इनकी तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे लाल मंगैया एम और ऐसे लाल हुराई चेला एम। बात करें दोस्तों मंगैया एम की, लास्ट गेम में 34 किए थे उसको पहले 41 और 4 का स्कोर है, तो दो मैच बैटिंग से अच्छा है। 33 गेम के अंदर 800 करीब रन किए, 21 की वजह से लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, पार्ट टाइम बॉलिंग कराना जानते हैं और ब्रेक बॉलर हैं, लेकिन टीम में भी यूज नहीं कर रही इसी वजह से बैट्समैन खेल रहे हैं, लेकिन अपनी टीम में एज ए प्लेयर जरूर ट्राई करिए, अच्छी चॉइस रहेगी। बात करें दोस्तों लाल हुराज येला एम की, अब ये आपकी टीम में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कैप्टन के अच्छे ऑप्शन रहेंगे, बॉलिंग तो 1 से 2 ओवर ही करा रहे हैं, लेकिन बैटिंग से लास्ट मैच को यदि आप छोड़ दें तो उसके पहले 60 और 39 के स्कोर है, हर मैच में विकेट भी, 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, तो 3 मैच के अंदर 4 विकेट ले चुके हैं, बॉलिंग भले ही कम करा रहे हैं लेकिन विकेट लेके जा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, बैटिंग से अच्छे फॉर्म में, ओवरऑल स्टेट्स भी अच्छे हैं, 34 गेम में 1000 रन है, 29 के ओवरेज और 13 विकेट हैं, कैप्टन के अच्छे ऑप्शन रहेंगे क्योंकि अब विकेट निकाल रहे हैं, तो मोस्टली हर मैच में आपको ओवर भी करते हुए दिखेंगे। नीचे देखेंगे दोस्तों के लाल मृता, लास्ट गेम में 0 रुपये गए थे उसके पहले 5 और 57 का स्कोर है, 29 गेम में 900 करीब रन, 31 की वजह से बैटिंग सेक्शन सब के लिए बेहतर चॉइस रहेगी, वन डाउन खेलते हुए नजर आएंगे। सेट के लिए ना शैलो की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन विकेट कीपर वाले बाद उतना बैटिंग आएगा नहीं, सिर्फ GL ट्राई करें, 24 के ओवरेज 2 डाउन खेलेंगे, लेकिन इनका टॉप ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है आपको उतना ज़्यादा बैटिंग ना देख करते हुए मिले। बी लाल छुमोनाओ की बात करें, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, पार्ट टाइम मीडियम पेस बॉलिंग भी करते हैं, 36 गेम में 1200 रन है, 37 के ओवरेज से, लेकिन लास्ट गेम में 0 की उसके पहले 29 किए, आप बैट फर्स्ट ही ट्राई करिएगा, वो बैटिंग सेक्शन में कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है तो बैट फर्स्ट में आप रख सकते हैं, लेकिन बैट सेकंड ना रखिएगा और किसी और को ले लीजिएगा आप इनकी जगह चाहें तो, क्योंकि उतना ज़्यादा बैटिंग आएगा नहीं, तो काफ़ी नीचे खेल रहे हैं। नीचे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको लाल फक्चुआला रेंथली, राइट हैंड बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म पेस बॉलिंग करते हैं, 3-3 ओवर की बॉलिंग लगातार करा रहे हैं, 3 मैच के अंदर 3 विकेट ले चुके हैं, बैटिंग उतना आएगा नहीं और ओवरऑल स्टैट्स अच्छे हैं, 35 गेम में 43 विकेट, जरूर ट्राई करिएगा। नीचे देखेंगे दोस्तों लाल होटाई लूंगा, 3 ओवर 1 विकेट उसके बाद 4 पे 1 4 पे 1, तो 3 से 4 ओवर बॉलिंग कराएंगे, 1 आध विकेट आपको निकाल के दे सकते हैं, तो आप इनको भी चाहें ट्राई कर सकते हैं, एक अच्छी चॉइस आपके लिए रहने वाली हैं। जोरम संघा छोड़ दीजिएगा, बी जोथन संघा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, 4 ओवर 1 विकेट 4 पे 1 4 पे 4, 6 विकेट ले चुके हैं, 3 मैच के अंदर इंपॉर्टेंट रहेंगे, ओवरऑल स्टेट्स भाई गजब के हैं, 30 गेम में 70 विकेट, पहले मैच में 4 विकेट लिए थे, फिर ऐसे कोई ऐसा मैच आएगा जिसमें 4-5 लेके जाएंगे, अच्छी चॉइस जरूर ट्राई करिएगा। ग्रैंड लीग में आप कैप्टन कैप्टन भी बना सकते हैं। नीचे देखेंगे लाल नुकीमा वर्थे, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर, 4 पे 2 3 पे 0 2 पे 1, ठीक ठाक पिक रहेंगे, टीम मैच प्लेयर ले सकते हैं, ओवरऑल मतलब ठीक ठाक इसलिए बोल रहा हूँ कि 32 गेम में इनके ओवरऑल सिर्फ 23 ही विकेट हैं। यहाँ से गिवियन की बात करें, 2 ओवर के 2 विकेट निकाल, सिर्फ ग्रैंड लीग स्मॉल लीग बहुत रिस्की है, बेंच में कुछ प्लेयर हैं जो कि नहीं खेले थे, इनमें से कोई भी प्लेयर लाइनअप में आएगा तो स्टेट्स आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपके सामने परफॉर्मेंस है CSC का एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर लगभग आपको ये देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी के लिए क्या टीम है, चलिए हम टीम भी देख लेते हैं, लेकिन आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ फाइनल अपडेट फाइनल टीम सब कुछ टेलीग्राम पर दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा लास्ट मैच अपडेट और फाइनल टीम के लिए। तो दोस्तों इस मैच का टीम क्या है, चलिए टीम देखते हैं। दोस्तों बात करें विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो मैं जा रहा हूँ एच लाल बिकुला के साथ, स्मॉल लीग में आपको उन्हीं को पिक करना चाहिए, जो यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको एक और ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे सेट गलियानो का, उनको भी आप ले सकते हो, CSC के विकेट कीपर हैं लेकिन वो 2 डाउन खेलेंगे, लाल बिकुला ओपन करेंगे, इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ, उनका बैटिंग कन्फर्म आएगा और उनका बैटिंग सेव नहीं रहेगा। बैटिंग सेक्शन दोस्तों मैंने अभय को पिक किया, जो कि आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, सिलेक्शन काफ़ी कम है, ऐसे भी लाल मछुआना है, अब इनको भी पिक करने के रीजन है, 3 बैट्समैन लेना पड़ेगा तो मजबूरी है, नंबर 5 पे खेलेंगे, पता नहीं बैटिंग आएगा कि नहीं, लेकिन पिक करना पड़ा। यहाँ से मैंने के लाल रेमरोता के लिए हुआ है, जिसने पहले मैच में 57 चढ़े थे, उसके बाद 2 मैच में फ्लॉप रहे, लेकिन 1 डाउन बैटिंग करेंगे और बैटिंग सेक्शन सबके लिए बेहतर चॉइस रहने वाली है। अब बात करें दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन की, तो उसे मैं एम लाल मंगैया के साथ जा रहा हूँ, जो कि आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे और काफ़ी अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ से मैंने एम लाल हुरैजेला को पिक किया, जो कि आपको लगातार हर मैच में विकेट निकाल रहे हैं, बॉलिंग 1 से 2 ओवर की कर रहे हैं, लेकिन ओपन कर रहे हैं और बैटिंग से अच्छे फॉर्म में है, 1 मैच में 39 1 मैच में 60 का स्कोर है, तो लास्ट मैच में तो 6 ही रन किए थे, लेकिन 3 मैच में 1-1 2-2 विकेट लिया हुआ है, साथ में बॉलिंग भी करा रहे हैं, तो वाइस कैप्टन भी मैंने किया हुआ है कि ओपन करेंगे, कुछ ओवर की बॉलिंग कराएंगे। यहाँ से दोस्तों मैंने पिक किया हुआ है ऐसे जी लाल विखुला को, इनके पिक करने का रीजन आप सबको पता है 1 डाउन बैटिंग प्लस 4 ओवर की बॉलिंग, जबरदस्त फॉर्म में, हर मैच में विकेट निकाल रहे हैं, 1 मैच में 45 का भी स्कोर है। और यहाँ से मैंने पिक किया हुआ है बी लाल लुनफेला, इनको पिक करने का रीजन है 2 डाउन बैटिंग करेंगे प्लस आपको 3-4 ओवर की बॉलिंग करके देंगे। बॉलिंग सेक्शन की बात करें, तो मैं से लाल रिंचना को पिक करके जा रहा हूँ, ये भी 4 ओवर की बॉलिंग करा के जाएंगे, अच्छे खासे विकेट टेकिंग बॉलर हैं, इसलिए मैं इनको पिक कर रहा हूँ। बॉलिंग सेक्शन दोस्तों मैंने बी जोथन शंघा को पिक किया, 30 गेम के अंदर बंदे ने 70 विकेट निकाले हुए हैं,
तीन मैच में 6 विकेट अभी तक लिया हुआ है। ग्रैंड लीग में कैप्टन जरूर ट्राई करिएगा, अच्छे खासे विकेट कभी भी ले सकता है। और ऐसे लाल हुड ट्राई लूंगा मेरे पास हैं, ये भी अच्छी खासी बॉलिंग करके जाने वाले हैं। सीबीसी मेरे क्लियर हैं, ये स्मॉल लीग पे ही रहने वाले हैं। स्मॉल लीग को एक और ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन का, बी लाल लुनफेल, आप इनको भी स्मॉल लीग में सीबीसी कर सकते हो। 2 डाउन बैटिंग प्लस 4 ओवर की बॉलिंग, इन तीन में ही आपने स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन रखने हैं। जीएल में भी मैक्सिमम टीम इन तीनों को ही बनाएगा। इसके अलावा ग्रैंड लीग में आप यहाँ से बी जोथन संघा को सीबीसी ग्रुप में ट्राई कर सकते हो। और बस हो गया, यही चार ऑप्शन है, यही चार में अपने ग्रैंड लीग में भी कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट करना है। तो दोस्तों अभी के लिए मेरा टीम यही है, अभी के लिए मैं इसी टीम से अपने कॉन्टैक्ट ज्वाइन कर रहा हूँ। लेकिन आफ्टर टॉस इस टीम में हम कुछ भी चेंजेस करते हैं तो इसमें इसका जो भी फाइनल अपडेट होगा, जो भी फाइनल टीम होगी, आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो अपने तुरंत आके हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना, लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ लिंक पर क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।